मेरे किचन में आज आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। ये क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मेरी यदि रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए ये मैंने 2 कप पास्ता लिया है। ये पैनी पास्ता है, ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। ये पाइप शेप में रहता है, आप दूसरे शेप के भी पास्ता ले सकते हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। ये मैंने गैस पे 6 कप पानी चढ़ा दिया, 6-7 कप पानी आप पतीले में चढ़ा देंगे बॉईल करने के लिए। और अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी क्योंकि पास्ता में अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसमें सॉल्ट डालना ज़रूरी है, तो ताकि थोड़े नमकीन लगे वो। और ये मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 2 छोटे चम्मच ऑयल डाला है मैंने, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। अब हम इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। जब हमारा पानी अच्छे से बॉईल होने लगेगा, उबलने लगेगा, तब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें सॉल्ट इसमें पानी उबालते समय सॉल्ट ज़रूर डालना है, जिससे कि हमारा पास्ता जो रहेगा उसमें अच्छा टेस्ट आ जाए और पास्ता हमारे फीके फीके ना लगे, पास्ता में अंदर तक सॉल्ट का टेस्ट चला जाएगा। देखिए पानी बॉईल हो रहा है मेरा। अब हम इसको टेस्ट चेक करेंगे, 6 से 7 मिनट में करीब ये हमारे पैनी पास्ता पक जाते हैं। और इससे बड़े वाले भी पास्ता आते हैं जो पाइप पास्ता होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब मैं इसको काट कर आपको बता रही हूँ। ये देखिए अंदर तक एकदम पक गए हैं, नहीं तो इसमें अंदर वाइट कलर की रिंग दिखती है जिससे कि पता चलेगा ये पके नहीं हैं। अब हमारे ये पक गया है पास्ता, अब मैंने गैस ऑफ कर दिए। अब हम इसको कैरी ओवर कुकिंग ना हो, मतलब और पास्ता ज़्यादा ना पकें, इसके लिए हम इसको तुरंत ही पानी छन्नी में निकाल देंगे, इसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे और इसको नल के पानी से, ठंडे पानी से के नीचे रख के इसको जल्दी से ठंडा करेंगे, जिससे कि ये अलग अलग हो जाएंगे, एक एक चिपकेंगे भी नहीं आसपास आपस में और ये ठंडे हो जाएंगे। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल के रख दे रही हूँ मैं। अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप ऑलिव ऑयल का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल्स कुक करेंगे। सबसे पहले मैं 1 टीस्पून गार्लिक जो मैंने फाइनली चॉप की है उसको डाल रही हूँ। पास्ता में गार्लिक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और साथ ही गार्लिक हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए यदि आपके यहाँ बहुत पसंद की जाती है तो आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं थोड़ी। मैंने इसको 1 टीस्पून भर के ली है, मतलब इसको अच्छे से चॉप कर लिया बारीक बारीक। हल्की सी ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे, 1 छोटे साइज़ का ऑनियन लिया है मैंने और इसको थोड़े से मीडियम साइज़ के पीसेस में चॉप कर लिया है। कुछ सेकंड के लिए गार्लिक और ऑनियन को हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कैरेट और कैप्सिकम यूज़ की है, आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे, पकाएंगे, जिससे कि इसकी क्रंचीनेस बनी रहे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। मैंने इसमें अभी सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से और मैं इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि
सब्जियों में भी अच्छे मसाले की कोटिंग हो जाए नमक और मिर्च की, और सब्जियां भी टेस्टी लगें। आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही हमारा पास्ता बहुत ही हेल्दी बनेगा और न्यूट्रिशियस भी रहेगा। वेजिटेबल्स कुक होने के बाद मैंने उसको प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने फिर से कढ़ाई को, दूसरी कढ़ाई को सॉस बनाने के लिए, अब हम वाइट क्रीमी सॉस बनाएंगे। इसको गैस पर रखा और इसमें मैंने 4 टेबल स्पून बटर ऐड किया है कढ़ाई में। बटर को हम मीडियम फ्लेम पे ही मेल्ट करेंगे। अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदा और बटर का प्रोपोर्शन हम बराबर ही रखेंगे। जैसे हम, यदि हमने 4 टेबल स्पून मैदा लिया है, बटर लिया है, तो 4 टेबल स्पून ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। और इसको बिल्कुल काफ़ी धीमी फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे चलाते हुए। ये देखिए, हम जब तक इसको भून रही हूँ, जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए, बहुत बहुत ब्राउन नहीं करना है हमको, बस हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होता है, मैदे का कच्चापन जैसे ही चला जाता है, मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क हमको रूम टेम्परेचर का लेना है। मिल्क 2 से 2.5 कप के बीच में लेना है आपको, और लगातार मिल्क ऐड करेंगे तो चलाते रहना है, जिससे कि जो सॉस बना रहे हैं उसमें हम लम्स ना हो। लम्स जो भी होंगे उसको हम ऐसे चला चला के लम्स को ख़त्म करेंगे। ये देखिए, मैंने और भी दूध ऐड कर दिया है, और जो लम्स हैं उनको सबको मैं लगातार हिलाते हुए ख़त्म कर रही हूँ। मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ, यदि आपको लग रहा है कि लम्स नहीं निकल रहे हैं, तो आप सारा दूध ऐड करने के बाद इसको मिक्सर में भी ऑफ करके, गैस थोड़ा ठंडा होने पे मिक्सर में चला लें, उससे भी सारे लम्स निकल जाते हैं, यानी जो मैदा है वो दूध में, मिल्क में अच्छी तरह से घुल जाएगा और लम्स सब ख़त्म हो जाएंगे, और अच्छा एक हमारा पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए, मैंने लगातार चलाने से, अब इसको हम करीब 1-2 मिनट तक इसको पकाएंगे बॉईल होने तक, जिससे कि हमारा सॉस गाढ़ा होते जाएगा थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट के बीच में बॉईल होने लगेगा। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी अब लम्स नहीं बचे हैं। तो मैंने जो आपको टिप दिया है मिक्सर में चलाने का, उसको याद रखिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि लम्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो आप उसको मिक्सर में चला सकते हैं 1 या 2 मिनट के लिए, तो लम्स ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमको कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है सॉस की, जितनी हमें चाहिए उतनी ही, बहुत गाढ़ी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं। और ये मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और हाफ टी स्पून मैं इसमें पेपर पाउडर डाल रही हूँ, और अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और जो मिक्स हर्ब है वो भी, सीजनिंग भी डाली है। अब थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डालिए। आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमने 2 जगह और सॉल्ट पहले भी डाल दिया है, इसलिए हमें सॉल्ट ध्यान से डालना। अब मैं इसमें ये वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, और जो हमने पास्ता कुक करके रखा है, बॉईल करके रखा, वो भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों चीज़ ऐड की है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखते हुए मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा सॉस, कितना मस्त बन गया है हमारा वाइट सॉस, और हम इसमें पास्ता डाल के मिक्स कर रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें मिक्स करने के बाद इसमें चीज़ डालने वाली हूँ। मैंने अमूल चीज़ यूज़ किया है, उसको ग्रेट किया है, जिससे कि ये हमारा एकदम क्रीमी वाइट सॉस पास्ता रेडी हो जाएगा।
मैंने फोर से फाइव टेबल स्पून के बीच में अमूल चीज़ ली है। दो चीज़ क्यूब्स को मैंने ग्रेट किया है, तो इतना बना है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने रहने दिया है, यानी एक टेबल स्पून छोड़ दिया है, जो ऊपर से गार्निश करने में मैं उसको यूज़ करूँगी। चीज़ डालने के बाद बस आधा मिनट और आप इसको मिक्स करिए मीडियम फ्लेम पे, और इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। हमारा वाइट क्रीमी चीज़ पास्ता एकदम रेडी है। ये मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। आप चीज़ फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स से इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ, जो हमने थोड़ा सा चीज़ बचाया था ऊपर से, बहुत यम्मी लगता है। और थोड़ा थोड़ा ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें, और दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है। ज़रूर से बनाइए, और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब।